इस देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो 2014 के पहले कहते थे कि नरेंद्र मोदी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये उनकी भविष्यवाणी थी। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी 237 साल पहले हो गई? भाई तब तो नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन ये भविष्यवाणी हुई और आज उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको तो लग रहा होगा ये कोई मजाक है। बॉस, ये मजाक नहीं है। हम खुद ये बात सुनकर चौंक गए थे कि कोई कैसे 237 साल पहले ये भविष्यवाणी कर सकता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब पाठशाला में हमने इस पर रिसर्च की और उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा जिसने 237 साल पहले यह भविष्यवाणी कर दी थी, तो हम भी हैरान रह गए। ये कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी बड़ी भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले कर दी थी, ये आज आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी की यह तस्वीर देख लीजिए जिसमें वो अपनी सियासी भविष्यवाणी के बारे में खुद देख रहे हैं। ये देखिए, वो लिखा हुआ देख रहे हैं। उनके बारे में जो भविष्यवाणी है वो लिखित में है। और 12 अप्रैल 2014 जब वो पीएम नहीं बने थे तो उन्होंने वो भविष्यवाणी लिखी हुई देखी थी। आमतौर पर आपने पीएम के 2014 में शपथ लेते हुए तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीर नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले की तस्वीर है। और इस तस्वीर में पीएम मोदी को लेकर सैकड़ों साल पहले हुई भविष्यवाणी का राज छिपा है। और अपने बारे में इस भविष्यवाणी को नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने से पहले खुद जनता को बताया था। यह तस्वीर राजस्थान की है, 12 अप्रैल 2014 की तस्वीर है, यानी नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से ठीक एक महीने पहले की तस्वीर। इसमें नरेंद्र मोदी राजस्थान के एक संत की बात कर रहे हैं। ये वही संत हैं जिन्होंने 237 साल पहले मोदी राज के आने की भविष्यवाणी कर दी थी। राजस्थान के इन प्रसिद्ध संत का नाम मावजी महाराज है, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन पहले किया भी था, जब उन्होंने भविष्यवाणी नहीं की थी कि अब अशोक गहलोत सरकार कभी नहीं लौटेगी। तो हमने आपको बताया था, मावजी महाराज के बारे में भी थोड़ा बताया था, और उन्होंने पीएम ने खुद कहा था कि हम भाई उस पावन धरती पर खड़े हैं जहां मावजी महाराज ने भविष्यवाणियां की थी। जब पीएम मोदी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली में यह कहा था कि अशोक गहलोत की सरकार अब कभी नहीं बनेगी, पीएम मोदी ने यह बात जिस जगह पर कही थी वो जगह प्रसिद्ध संत मावजी महाराज की धरती। और इस देश में बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे मावजी महाराज के बारे में, लेकिन आज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या भविष्यवाणी की। हमने पाठशाला में भी मावजी महाराज के बारे में थोड़ा आपको बताया था। मावजी महाराज वो संत हैं जिन्होंने आज से करीब 237 साल पहले ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो आज भी 100% सच साबित हो रही। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी कैसे मावजी महाराज ने की थी, 237 साल पहले की थी, ये हैरान करने वाली कहानी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप मावजी महाराज के बारे में विस्तार से सुनिए, क्योंकि भविष्यवाणी की दुनिया में अब तक आपने नास्त्रदमस और कीरो के बारे में बहुत सुना या पढ़ा होगा। ऐसा माना जाता है कि नास्त्रदमस की भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं हुई, लेकिन राजस्थान के संत मावजी महाराज की भविष्यवाणियों के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मावजी महाराज ने करीब 237 साल पहले 1786 में 72,96,000 छंदों से 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों को राजस्थानी भाषा में चौपड़ कहते हैं। इन्हें मावजी महाराज ने अपने हाथों से लिखा था और उनकी तस्वीरें दिखाऊंगा। एक तरफ आप लगी हुई भी देख रहे हैं तस्वीर। इन्हीं ग्रंथों में 72,66,000 से ज्यादा भविष्यवाणियां लिखी गई। इन भविष्यवाणियों को स्थानीय बागड़ी भाषा में बांस की कलम और लाख की स्याही से लिखा गया, जो आज भी सुरक्षित है। उनकी भविष्यवाणियों में 237 साल पहले लिख दिया गया था कि हवा से लोगों की बात होगी, आज मोबाइल के जरिए बातचीत हो रही है। बिजली के तारों से रोशनी के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी, ग्लेशियर के पिघलने की भविष्यवाणी की थी, धरती के गर्म होने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने 350 साल पहले ही कपड़े पर उपग्रह और हवाई जहाज के चित्र बनाए थे, जो आज बनाए जा रहे उपग्रह और हवाई जहाज से हूबहू मेल खाते। आगे बढ़ने से पहले आपको मावजी महाराज की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में विस्तार से बताता हूं, जो उन्होंने बागड़ी भाषा में लिखा था। जैसे उन्होंने लिखा कि पूरब पश्चिम वायरा बाजसी सर्वे वाणी फरसी, यहां डालिए, यहां दिखाता हूं, इस पर डालिए, आपको यह तस्वीर दिखाता हूं जो उन्होंने भविष्यवाणियां की। ये देखिए, पूरब पश्चिम वायरा बाजसी सर्वे वाणी फारसी रे, जिसका मतलब यह है कि पूर्व पश्चिम की संस्कृति में मेल जोल होगा। यह उन्होंने कहा था। आज भारत और पश्चिम के देश यूरोप और अमेरिका के बीच बहुत राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध है। आप उसको उस जमाने से कंपेयर कीजिए, उस जमाने इस तरह के संबंध नहीं थे। और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में ऐसा होगा कि पश्चिम और
पूरब के बीच मेल हो। फिर एक भविष्यवाणी की कि बदनी सिर थकी भार उतरे सी, यानी कि बैलों के सिर से बोझ हल्का होगा। आज के दौर में खेतों की जुताई हलों के बजाय ट्रैक्टर से होती, और लोग कहते हैं कि यही वो भविष्यवाणी थी कि बैलों के सिर से बोझ कम होगा, यानी ऐसा कोई यंत्र आएगा जिस जो बैलों का बोझ कम करेगा। तीसरी भविष्यवाणी जो उन्होंने लिखी थी कि बहु बेटी काम भारे सासू पिसड़ा पिसेगा, इसके बारे में लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि बहु बेटियां पढ़ लिख कर नौकरी करेंगी, सास घर का काम करेंगी। आजकल बहु बेटियां पढ़ रही हैं और बाहर निकलकर काम कर रही हैं। चार जुगना बंधन तोड़ी जुगना भगत तारिया, ये देखिए, चार जुगना बंधन तोड़ी जुगना भगत तारिया, यानी चार युगों से चले आ रहे जाति धर्म के बंधन टूटेंगे। उस जमाने में इन्होंने कह दिया कि जाति के और धर्म के बंधन टूटेंगे और भक्ति के माध्यम से हल निकलेगा। और आज शहरों में लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर मिलकर काम भी कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो रही हैं, जबकि उस दौर में तो ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। इसलिए ये भविष्यवाणियां सुनकर आज लोग हैरान रह जाते हैं कि तब उन्होंने न जाने क्या देखा और ऐसा लिखा। धरती तो तांबा वर्णी होसी, यानी धरती तपकर तांबे की रंग की हो जाएगी, यानी धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग, एक तरह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग के संकेत थे, भाई उस जमाने में तो इतना तापमान नहीं बढ़ रहा था, तो धरती तपकर तांबे की रंग की हो जाएगी, ये कैसे उनको पता था। इन्हीं भविष्यवाणियों को लेकर लोग हैरान रह जाते हैं, और ये तो कुछ उदाहरण दिया आपको मैंने, लेकिन उसमें भी एक बड़ी कमाल की बात, मावजी महाराज ने देश और दुनिया को लेकर जो भविष्यवाणियां की थी वो आज तो बिल्कुल सही साबित हो ही रही है। इसके अलावा मावजी महाराज ने भारत की राजनीति को लेकर भी भविष्यवाणी की जो नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट बैठती है। पीएम मोदी की मावजी महाराज पर बहुत आस्था है, वो पिछले कई वर्षों से मावजी महाराज के बिणेश्वर धाम जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की अप्रैल 2014 की तस्वीरें हैं, वीडियो है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान बिणेश्वर धाम गए थे। यहां नरेंद्र मोदी ने मावजी महाराज की 237 साल पुराने इस ग्रंथ को देखा था और बहुत ध्यान से देखा था। तब नरेंद्र मोदी को यह जानकर बहुत हैरानी हुई थी कि उनके बारे में भी इस ग्रंथ में एक भविष्यवाणी की हुई 237 साल पहले। ये देखिए उस भविष्यवाणी को वो पढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने यह बात तुरंत नोट कर ली और चुनावी सभा में जाकर लोगों को सुनाई भी। इस भविष्यवाणी में क्या लिखा गया था, पहले नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो सुनिए, फिर मैं आपको उस भविष्यवाणी का एक एक शब्द बताऊंगा और उसका मतलब समझाऊंगा। भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मावजी महाराज की तपोभूमि के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बाणेश्वर जी के दर्शन करके मैं आया हूं, इतने प्रेरक शब्द है लिखा है, मुझे भी मालूम नहीं है कितनी बढ़िया बात 400 साल पहले लिखी गई है। मावजी महाराज ने लिखा है, जम्बुखंड जुमलो आगे है महाराज, धोरा घड़नी ढूल की गुजरात नो डंको वागे महाराज। मावजी ने वाणी बुले है महाराज, जातु धर्म पास आवेगा धर्म ने बातें सालेगा महाराज, बेणेश्वर नो बेड़ को रसाए महाराज, दिल्ली में दीवे लागे महाराज। इन्होंने गुजरात को और दिल्ली को जोड़ दिया है मावरे जी महाराज ने, अद्भुत बात है जी। उस जमाने में गुजरात से दिल्ली जाकर के दिया जलेगा, ये बात मावजी महाराज ने कही है भाइयों। आज की तारीख में कोई भी ये सुनेगा तो हैरान रह जाएगा कि ऐसी भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी को लेकर 237 साल पहले की गई वो भविष्यवाणी है जिसके बारे में देश की जनता को अप्रैल 2014 में पता चला। अब आपको इस भविष्यवाणी के शब्दों के बारे में एक एक करके बताता हूं। जरा यहां तस्वीर डालिए कि उस भविष्यवाणी में लिखा क्या था, जरा इसको लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस भविष्यवाणी में यह लिखा है कि गुजरात नो डंको बाके महाराज, यानी गुजरात का डंका बजेगा। एक वक्त ऐसा आएगा
कि गुजरात का डंका बजेगा। और आप याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का डंका बज रहा था। यूपीए की सरकार होते हुए भी हर बार गुजरात को अवार्ड मिलते थे। इस तरह का गुजरात में काम हो रहा था, गुजरात मॉडल की बात होती थी। 237 साल पहले उन्होंने लिख दिया मावजी महाराज ने, गुजरात नो डंको बागे महाराज, और वो हुआ। फिर वो लिखते हैं मावजी वाणी बुले है महाराज, यानी मावजी की वाणी, मावजी महाराज की वाणी कहती है कि जात धर्म पास आवोगे आवेगा, यानी जाति और धर्म पास आ जाएंगे। आप देखिए आज की डेट में नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, लोग कह रहे हैं जातिगत जनगणना करानी है, वो कहते हैं भैया हमको जातिगत जनगणना के मामले में ना पड़ो, हमारी एक ही जाति हमको पता है और वो है गरीब की जाति, और जो घर मिल रहे हैं शौचालय मिल रहा है वो जाति और धर्म देख के नहीं मिल रहा। तो उन्होंने भविष्यवाणी की जातु धर्म पास आवेगा, धर्म नी बातें सालेगा महाराज। और फिर आगे लिखते हैं कि बैणेश्वर रो बेण को रसाए महाराज, बैणेश्वर उनके धाम की बात है। और आखिरी की लाइन पड़ी है, उस जमाने में उन्होंने कहा कि दिल्ली मां दीवो लागे महाराज, यानी दिल्ली में दिया जलेगा, गुजरात का डंका बजेगा और फिर दिल्ली में दिया जलेगा। अब आप सोचिए गुजरात से गुजरात का डंका बजाने के बाद कोई नरेंद्र मोदी निकलते हैं और वो दिल्ली में आकर दिया जलाते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि दिल्ली में आकर सत्ता पर काबिज होते हैं। और इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये भविष्यवाणी 237 साल पहले हुई भविष्यवाणी, जिसमें गुजरात और दिल्ली का कनेक्शन है, वो सीधे सीधे संकेत था, बिना नाम लिया, वो उस वक्त नाम थोड़ी था, लेकिन कि गुजरात से कोई आकर दिल्ली पर राज करेगा, यानी नरेंद्र मोदी। आज देखिए वही हो रहा है। नरेंद्र मोदी की को लेकर की गई इस भविष्यवाणी के सामने आने के बाद वो मई 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बन गए। मावजी महाराज की भविष्यवाणी पर पीएम मोदी के अलावा राजस्थान की जनता भी बहुत भरोसा करती है। मावजी महाराज ने भविष्यवाणी के अलावा अपनी अपने हाथों से कई कृतियां जैसे ज्ञान भंडार, अकल रमण, सुरानंद और ज्ञानरल माला भी लिखी है। मावजी महाराज ने 5 ग्रंथ लिखे थे जिनमें 72 लाख से ज्यादा भविष्यवाणियां हैं, लेकिन अब पीएम मोदी इन ग्रंथों का डिजिटलाइजेशन करवा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप इन भविष्यवाणियों को अपने मोबाइल पर पढ़ सकेंगे। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत वागड़ी भाषा को ट्रांसलेट करके हिंदी भाषा में इंटरनेट पर अपलोड किया जाएगा। हो सकता है आपके लिए भी कुछ मिल जाए। कुछ लोग ढूंढेंगे कि 2024 के लिए भी कुछ लिखा है क्या।